अंडरग्राउंड डीजल टैंक रिस्टोरेशन। सुंदर का एक डीजल पंप था। दूर दूर तक कोई भी डीजल पंप नहीं होने की वजह से गांव के सारे लोग सुंदर के ही डीजल पंप में आकर डीजल भरा करते थे। इस वजह से हमेशा उसके डीजल पंप पर ही भीड़ रहती थी। एक बार सवेरे सवेरे सुंदर काम पर जाने लगता है, तभी उसकी पत्नी सीता उसे कहती है, अजय देखिए तो कैसे काले काले घने बादल छाए हुए है, लगता है बहुत ही तेज बारिश होने वाली है आज। अरे नहीं सीता, एक दिन अगर डीजल पंप बंद रखूंगा तो लोगों को बहुत ही दिक्कत होगी। गांव के आसपास कोई भी दूसरा डीजल पंप नहीं है, इस वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। सुंदर ऐसा कहकर अपने डीजल पंप पर चला जाता है। लोगों का डीजल पंप पर आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही बारिश शुरू रहती है, डीजल पंप के बाहर पानी जमा होने लगता है। तब डीजल पंप पर आया हुआ एक ग्राहक कहता है, अरे बाप रे, कितना सारा पानी जमा हो गया है डीजल पंप के सामने। डीजल भरने आए थे ताकि गाड़ी चल सके, पर लगता है अब गाड़ी से तैरते हुए जाना पड़ेगा। कुछ घंटों के बाद बारिश कम हो जाती है और पानी में फंसे हुए लोग जैसे तैसे करके सुंदर के डीजल पंप से जाने लगते हैं। डीजल पंप के सामने तो मानो जैसे तालाब ही बन गया था, इसलिए अब लोग डीजल पंप पर आने के बजाय वापस लौट रहे थे। तब सुंदर भी अपना डीजल पंप बंद करके घर चला जाता है और घर आकर वो सीता से कहता है, सीता, अपने डीजल पंप के सामने तेज बारिश की वजह से तालाब जैसे बन गया है। लोग तो आ ही नहीं रहे, बल्कि आते हुए उस पानी के तालाब को देख कर वापस जा रहे है। ऐसे में आप मत जाइए डीजल पंप पर। सीता के ऐसे कहते ही वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन तैयार होकर सुंदर अपने डीजल पंप पर जाता है। तब वो डीजल पंप के सामने वैसे ही पानी देखता है और सोचता है, अरे ये क्या, अभी भी पानी जैसे का वैसा ही है। पता नहीं ये कब सूख जाएगा, तब तक मुझे शायद मेरा डीजल पंप बंद ही रखना होगा। डीजल पंप के सामने जमा हुआ पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा था। धीरे धीरे करके वो सारा पानी जमीन के अंदर से डीजल टैंक में उतर रहा था। उस पानी की वजह से जमीन के अंदर डीजल टैंक पर जंग चढ़ने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब डीजल पंप के सामने का तालाब पूरी तरह से सूख जाता है, तब सुंदर डीजल पंप को शुरू करता है। बड़े दिनों के बाद सुंदर का डीजल पंप शुरू हुआ था, तभी एक लड़का वहाँ डीजल भरने आता है। वो कहता है, सुंदर भैया, इस बार की बारिश ने आपको बहुत दिन की छुट्टी दिला दी, पर आप नहीं थे तो हमें दूसरे शहर 50 किलोमीटर जाकर डीजल भरवा कर आना पड़ता था। अब एक काम करो, आप जल्दी से मेरा टैंक फुल कर दो। उस लड़के की बात सुनकर सुंदर उस लड़के की गाड़ी में डीजल भरता है, पर डीजल पंप से आता ही नहीं। सुंदर बार बार कोशिश करता है, पर फिर भी डीजल पंप में आता ही नहीं। तब वो लड़का कहता है, अरे क्या हुआ भैया, डीजल नहीं है क्या डीजल टैंक में? लगता है अब फिर से दूर जाना होगा डीजल भरने। अरे रुको थोड़ी देर, मैं अभी जाकर देखता हूँ अंडरग्राउंड में कि क्या बात है। लेकिन वो लड़का रुकता नहीं, उसे देर हो रही थी और वो चला जाता है। इधर सुंदर अंडरग्राउंड जाकर डीजल टैंकर को देखता है तो वो चौंक जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये क्या हुआ, मेरे डीजल टैंक में पानी भर के पूरी तरह से जंग चढ़ चुका है। अब समझ में आया मुझे कि ये सब बारिश की पानी की वजह से हुआ है। ऐसा कहकर सुंदर तुरंत उस जंग चढ़े हुए डीजल टैंक को क्रेन की मदद से बाहर निकालता है और डीजल टैंक का रिस्टोरेशन करता है। वो सारे जंग को निकाल कर उसे नया पेंट लगाता है और उसे फिर से नए जैसे बनाता है और फिर से उस रिस्टोरेशन किए डीजल टैंक को अंडरग्राउंड में डालकर अपना डीजल पंप शुरू करता है। डीजल टैंक पर वापस पहले जैसी भीड़ शुरू हो जाती है। अंडरग्राउंड बोरवेल पानी खजाना। रामपुर नाम के गांव में सूखा गिर रहा था। कुएं बोरवेल सूख गए थे। गांव वाले पानी की तलाश में दूर दूर जाते थे। उस गांव का जमींदार गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। उन्हें कर्जे पर हर चीज के लिए पैसे दे रहा था। इससे गरीब गांव वाले परेशान हो चुके थे। तब गांव का एक आदमी सरपंच से कहता है, सरपंच जी, कब तक ऐसे ही हमें पानी के लिए भटकना पड़ेगा? ये जमींदार जी का भी दिन ब दिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आप कुछ कीजिए सरपंच जी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे गांव वाले ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। एक बार कुछ गांव वाले सरपंच के साथ मिलकर कलेक्टर से मिलने जाते हैं।
और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। कलेक्टर साहब, गांव में बहुत सूखा गिर गया है। पानी के लिए दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ रहा है। अगर आप गांव में एक बोरवेल डाल दे तो बहुत अच्छा होगा गांव के लिए। ठीक है, मैं कल ही अपनी एक टीम आपके गांव भेजता हूँ। देखता हूँ कि गांव में किस जगह पर पानी लगेगा। आपका काम हो जाएगा। सरपंच और गांव के बाकी के लोग खुश होकर घर वापस आते हैं। पर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब ये सरपंच भी ना हमेशा आगे आगे करता रहता है। इस गांव में मैं बोरवेल बनने ही नहीं दूंगा। कैसे भी करके मुझे ये काम रोकना होगा। अगर गांव में बोरवेल बन जाती तो गांव के लोग जमींदार से कर्जा नहीं लेंगे और ना ही जमींदार का फायदा होगा। इस लालच में जमींदार कलेक्टर से मिलने जाता है और कहता है, नमस्ते कलेक्टर साहब, गांव में बोरवेल नहीं बननी चाहिए। गांव के जमीन के अंदर भी पानी नहीं है। आप कुछ ऐसी रिपोर्ट बना दीजिए। अरे जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही गलत है। अरे कलेक्टर साहब, पैसे के आगे सब कुछ हो सकता है। आप बस मेरा ये काम कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको माला माल कर दूंगा। ये सुनकर कलेक्टर भी लालच में आ जाता है और दूसरे दिन ही एक झूठी रिपोर्ट बनाता है, जिस वजह से गांव में बोरवेल नहीं बनती है। बेचारे गांव के लोग उम्मीद लगा के थे, पर ये रिपोर्ट सुनते ही उदास हो जाते हैं। उसी गांव में सुदेश नाम का एक होनहार लड़का रहता है, जो कि IAS की तैयारी कर रहा था। उसे भी अपने गांव के लोगों की तकलीफ दिख रही थी। मैं कैसे भी करके कलेक्टर बन के ही रहूंगा और मेरे गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर कर दूंगा। मुझे सब पता है, जमींदार की वजह से यह सब हो रहा है। सुदेश दिन रात मेहनत करके खूब पढ़ाई करता है। सुदेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसीलिए वो IAS की एग्जाम में भी पास हो जाता है और खुद के ही गांव का कलेक्टर बन के गांव में आ जाता है। जमींदार सुदेश को भी लालच में लाना चाहता था, पर इस बार जमींदार का कुछ नहीं चला। सबसे पहले मैं अपने गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर करूंगा, इसलिए गांव में बोरवेल बनाने ही होंगे। सुदेश बोरवेल बनाने का काम शुरू करता है। बोरवेल मशीन को लेकर काम वाले भी जमींदार जी के घर जाते हैं। जमींदार इस बात के लिए पहले मना करता है, पर कलेक्टर का ऑर्डर ही ऐसा था, जिस वजह से जमींदार बोरवेल का काम नहीं रोक पाया। पर जब बोरवेल का काम चल रहा था तो पहले उस गड्ढे में से जमींदार ने छुपाया हुआ सोना निकलता है। अरे ये सब क्या है जमींदार जी, इतना सारा सोना और वो भी इस गड्ढे में छुपाए रखा। ये सब आपका काला धन है, इसको जब्त करना पड़ेगा। कलेक्टर जी, ये सब आपका हो सकता है अगर आप चाहे तो। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हो, लेकिन मैं पहले कलेक्टर के जैसा नहीं हूँ। सुदेश जमींदार का सारा सोना जब्त कर लेता है। फिर से अंदर बोरवेल के लिए खुदाई की जाती है, तब जाके वहाँ पानी लगता है और आखिरकार गांव में एक बोरवेल बन ही जाती है। पर इससे जमींदार जी का ही नुकसान हो जाता है। सुदेश फिर से ये ऑर्डर निकालता है कि जमींदार जी के घर की तलाशी की जाए। इनकम टैक्स वाले जमींदार का घर में छुपाया हुआ सारा काला धन बाहर निकालते हैं और काला धन छुपाने के इल्जाम में जमींदार को सजा मिलती है और उन्हें जेल भेजा जाता है। सुदेश गांव में हर जगह पर बोरवेल डाल देता है, जिस वजह से गांव में पानी ही पानी रहता है और गांव वाले बहुत ही खुश होकर जीने लगते हैं।